सुबह सुबह रूम का हाल देख लीजिए, क्या हो रहा है अभी। ये सब पैकिंग करनी है, पता नहीं यार हम सामान क्यों खरीदते जब हमें पैकिंग नहीं करनी आती। तो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ऐसा ऐसा मुंह बना कौन उठता है? किससे पूछ के आलू चेहरा अभी तक बात हुई थी ना? क्या बोला? कितना साल? क्या कह रहा था? अभी क्या कह रहा था भाई? चल रहा ब्रेकफास्ट करने चल रहे हैं। अरे एक अपना नहीं ले लिया? उन्होंने ध्यान रखना भाई। भाई तुम्हारा सामान नीचू इनका वाला सामान दिख जाएगा पागल। जल्दी से तुम उधर मुँह करो, उधर मुँह करो, उधर मुँह करो। चलो जल्दी जाओ बेटा जाओ। ये वाले स्लीपर्स के साथ अलाउ नहीं करेंगे। जाओ चेंज करके आओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, भाग के जाओ। भाई क्या खा रहा है तू यार? एग से कुछ नहीं होता यार। कॉफी बहुत ज्यादा गर्म है। सूरज मेरे लिए कप ले आ भाई। सूरज कप ले आ। उधर की साइड जाता हूँ तो सीधे नीचे ही जाता। सूरज कप ले आ। तुझे मैं लास्ट बार कह रहा हूँ, अगर तू अब के नहीं लाया ना तो मैं खुद ले आऊंगा फिर जाके। यार क्या मैं कुछ ला रहा हूं? ठीक है मैं खुद ही ला रहा हूं। मैं ला रहा हूं। तो फ्रेंड्स ट्रिप अभी हमारा खत्म नहीं हुआ क्योंकि अभी तो कुछ और स्पेशल होना बाकी है। नीतू यशी का बर्थडे आ रहा है, उसके लिए हमने गिफ्ट ले लिया तो उसको अभी देते हैं। अब इसको नीचे जाके देते हैं। सब लोग नीचे चले गए, हम लोग भी जा रहे हैं। चलो 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 आओ। सामान हमारा ऑलरेडी जा चुका है। रूम क्या रहा था देख ही सकते हो। क्या यही होगा भाई? जो दूसरों का बुरा चाहोगे ना तो यही होगा। दूसरे के लिए गड्ढा खोदता, सबसे पहले खुद कूदता है उसमें। गाइस मैंने जैसे जेबी फोन निकालता ना, मेरे से नहीं पता क्या होता है। सूरज पहले गड्ढा खोदता दूसरे के लिए और बिल्कुल डेंजरस सा। फिर उसका उसको चेक करने के लिए हाँ दूसरा जाएगा तो वापस आ नहीं पाएगा। पहले खुद कूदता है फिर आ नहीं पाता वापस। यार ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कोई इंडिया से मॉडल आई हुई है यार? पागल। तो फ्रेंड्स कार हमारी ऑलरेडी आ चुकी है। ये तो सिर्फ मेरे और नीतू वाले बैग्स हैं। सूरज जैसी के अभी वो भी आने वाले हैं। कुछ बाहर भी रखे हुए हैं। लगेज काफी ज्यादा हो गया भाई। अबे आगे तो ये है, आगे तो तू यहाँ बैठेगा। क्यों इतनी सारी इतनी बड़ी गाड़ी है भाई? इधर मैं लेट के जाऊंगा यार। भाई जब लोग एयरपोर्ट पहुंच गए और ये बंदा बैठ के मुझे ज्ञान दे रहा है कि अपनी शादी के टाइम पे किस तरीके के व्लॉग्स डाल रहे हैं, जैसे खुद की तो शादी हो ही गई होगी। देख तले से और इससे भी ऊपर नंबर पे ये क्या, ये दोनों गाइड कर रहे हैं क्या क्या डालना है शादी के टाइम पे। देखो शादी का वो टाइम होता है जो सबको बहुत अच्छा लगता है कि क्या करेंगे, कैसे होगा, आपके क्या रीति रिवाज है, सबको मजा आता है। बोल बाल तो रहे, मुझे ब्लॉग मुझे बनाने उस टाइम पे सारे। तो भाई तू मुझे बता क्यों रहा? मैं भी तो कह रहा हूँ मुझे बस सीखा भाई कुछ करियो। उधर उधर कुछ रिवाज हो रहा है, उधर मैं फोन लेके घूम रही हूँ, उधर वो घूम रहा है। अगर ये ज्यादा करेंगे तो इससे पहले डाल दूंगा मैं नी की शादी का ब्लॉग। इससे बुरी चोट कोई कुछ नहीं कर सकता। सूरज कैसे ला रहा है उसको यार? और यार इसमें ये क्या रेलगाड़ी बना रखी है? तू आराम से बैठ के चल रही है वहाँ? हाँ यार अपना चेक इन वगैरह बहुत जल्दी हो गया, बहुत जल्दी। उम्मीद भी नहीं थी। अगर आप इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए जा रहे हो तो आपको एटलीस्ट एक घंटा लग जाता है चेकिंग में, इमिग्रेशन में और ज्यादा। यहाँ मुश्किल से 10 मिनट लगे अपने को। तो यार जो चीज़ अच्छी है उसके लिए तारीफ बनती है भाई दुबई एयरपोर्ट की, कि बहुत बहुत ईजी है फॉर पैसेंजर्स। नीतू नीचे रह गई, बहुत शर्म चलती हुई आ रही थी, बहुत स्टाइल में चलते हुए आ रही थी। और नीतू जी ने ना हाथ डाल के भी देखा कि खुल जाए अपने आप, लेकिन नहीं खुली। अब शायद इस वाली लिफ्ट में हाँ आ रही है, आ रही है। लेट लतीफ। फ्रेंड्स अभी हम लोग देख रहे हैं घर के लिए कुछ परफ्यूम वगैरह, लेकिन घर में आई गेस परफ्यूम का तो किसी को शौक है ही नहीं। मैं देख तो अपने लिए रहा हूँ, ये कुछ बहुत ज्यादा खास तो नहीं लग रहे। भूख बहुत ज्यादा तेज लग रही है, पहले कुछ खा लेते अभी। तो यशी और नीतू अभी तक शॉपिंग कर रही है, मैं और सूरज जाके मैकडी में कुछ खाने। एक तो पूरे मैकडी में वेजिटेरियन सिर्फ एक बर्गर, कुछ और है ही नहीं। सूरज गनीमत मान, यहाँ कम से कम वेजिटेबल बर्गर एक है। थाईलैंड में कुछ वेजिटेरियन था ही नहीं मैकडी में। बाहर लोग खाते नहीं क्या वेज? पता नहीं, बहुत कम यार। बस टेक ऑफ होने वाला है, टेक ऑफ होने वाला है बस थोड़ी देर में, हम घर होंगे। और कुछ ही खाना तो अपने को अच्छा मिला है फ्लाइट में काफी। व्यू देख ले, तो व्यू देख इस व्यू के पैसे है। ये आप देख रहे हो मैंने दो दो प्लेट खाना खाया है। दो प्लेट कैसे? एक मेरी और एक आगे वालों की। भगवान सबको ऐसे दोस्त दे। इन दोनों ने कुछ भी नहीं खाया, इनका खाना भी मैंने ही खा लिया। और ये सूरज इतना चालू है यार, सच में आज इसकी रियलिटी पता चल गई। भग गया बाहर, कोई बैग नहीं ले गया। सच में ये लड़का अच्छा नहीं है। लगन तुम्हें क्या लगता है सामान कितनी देर में आ जाएगा हमारा? टाइम से आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता ना? पता नहीं, मुझे पूरा विश्वास। राइट, और हमारा सामान तो देख लो भाई। यहाँ पर भी सूरज के बैग इतनी जल्दी आ गए हैं और हमारे नहीं आए हैं। जब बंदा हर जगह पे जलन होती है, बंदा जब कनेक्शन वाला होता है इसलिए। सच में फाइनली 2 घंटे के बाद हमारे बैग्स आ गए हैं, अब चलते हैं घर। यहाँ की लिफ्ट में और बाहर की लिफ्ट में कितना फर्क है लखन? बाहरों की लिफ्ट। छोटू बच्चा दिख नहीं रहा है, इतनी भीड़ में बेचारा खो गया है। तो गाइस, तो हमने काफी टाइम से ऐसी चीज बचा के रखी हुई थी। जैसे अब टाइम है तुम्हें मेरा बैग वापस करने का, मगर अबे जल्दी बोल। इसको व्लॉग दो यार, व्लॉग बना। तो गाइस
यशी से मैं अपना बैग वापस ले रही हूँ, यशी का बर्थडे और ये... नहीं आ पाएंगे। क्या है यशी का बैग? कहाँ है गैस वाला? अरे वो आ रहे ना गधे, चुप। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं, हमको नहीं पता इन लोगों का कहीं प्लान है, ये लोग न्यू ईयर कहीं बाहर सेलिब्रेट करेंगे। किसी के बर्थडे वाले दिन हम लोग यहाँ पे नहीं होंगे, पर हम लोग साथ में नहीं होंगे क्योंकि ये हमको उतना जरूरी नहीं समझते, इसलिए इन्होंने हमें इनवाइट भी नहीं किया। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सच बोल रहे हैं गाइस, सच बोल रहे हैं। अच्छे वाले रो मत, यार ऐसा चाहते उसके बर्थडे से पहले उसके पास गिफ्ट पहुँच जाए, उसका गिफ्ट पहुँच जाए। So this is for you, Yashi. भाई मेरा भी तो वाह, ये वाह तेरे ने गिफ्ट है। अब यशी पहले खोल के देखिए। अच्छा हम ये लिया हमने वहाँ पे और यशी के सामने लेके भी आ रहे हैं, लेकिन इसलिए नहीं पता कि इसमें इसके लिए सामान है। अरे भाई ब्रो तेरे लिए लिया था हमने। यार तुमने बॉयज का तो कुछ खरीदा ही नहीं। यशी के लिए बॉयज का क्यों लूंगा मैं? ओपन अच्छा यशी के सामने हम क्या कह रहे हैं कि भम्मू के लिए लेकर आए? यार ये तो गलत फादर कर दिया। क्यों ऐसे ट्रिक करके तो आपने मतलब मुझसे पसंद करवा के रखी। और ये पोल डाल रही ऑडियंस से कि बताओ कौन सा सेलेक्ट किया जाए। पसंद भी सही करवाया मैंने, बोला भम्मू के लिए लेके जा रहे थे कुछ पसंद कर, और फाइनली यशी के पास लगा। अच्छा लगा मुझे तो बिल्कुल अच्छा लगा। उसकी पसंद है, उसी की पसंद गया तो अच्छा तो लगेगा यार। यार फाइनली थैंक यू। लेकिन पता तुम लोग बुरे, तुमने तो हमें नहीं बुलाया ना बर्थडे पे। ओह नो झूठे हैं कोरा, मैंने गुच्ची को लेके आ जाओ, गुच्ची को लेके आ जाओ, आते तो नहीं मुझसे पूछ के बुलाया कर किसी को बुलाया दो। प्लान बनाया अपने बाहर को, वो तो बर्थडे के बाद है, बर्थडे के बाद सूरज का लगे चाह चुका है। कोई बात नहीं जाने दी। ओए व्लॉग बना हमारा, व्लॉग जरूरी है भाई। वो क्या सॉरी लगे जा रहे हो वापस जयपुर? यस ये बहुत एक्सपेंसिव स्टफ। चलो सुनो तुम लोग जा रहे हो वापस जयपुर, हम लोग जा रहे हैं हमारे देश। अगले साल मिलना पड़ेगा, नए साल में भी आप लोगों से मिलू हुए। फाइनली हमारा ट्रिप खत्म होता है, आप सबने बहुत सारा प्यार दिया, बहुत अच्छा ट्रिप था हमारा। और एक चीज कि इस ट्रिप का जो बेस्ट मोमेंट था ना वो मैं भी क्लिप डालने वाला हूँ, आपको जरूर देखना। वो मोमेंट मेरे लिए बहुत स्पेशल है, मैंने सोचा था कि ना ऐसे ही उसको नहीं डालूंगा, उसको बता के डालूंगा, तो अभी मैं वो डाल रहा हूँ, आप देखो एंजॉय करो। कौन सा मोमेंट है वो तो लोग देखने देना, तू भी व्लॉग तभी तो देखेगा, तुझे बताऊंगा तो देखेगा। ठीक है गाइस दोस्तों, ये मोमेंट मेरे लिए इतना स्पेशल था क्योंकि रात के 12 बजे सूरज यशी दोनों जाके केक लेकर आए, क्योंकि हमारे एनिवर्सरी इनको सेलिब्रेट करानी थी और इस दिन नीतू का बर्थडे भी था। मतलब इन्होंने जो भी एफर्ट्स डाले ना यार, स्पीचलेस एकदम। भाई तू कितना कितना अच्छा है, बहुत डिसेंट है यार ये बंदा, देखो यार। थैंक यू यार यशी, यार तू बहुत अच्छी है यार। केक तो बोला है। अरे अच्छी तो तू भी है ना ये। नहीं तू पता है गाइज हमने इनको जगाया। अरे मैंने बोला था ना मेरे बर्थडे मत आओ, तुम पागल हो? हाँ 10 बज रहे एनिवर्सरी। अरे तुम पागल हो क्या? अभी पता है वहाँ बात कर रहे थे मॉल में कि एनिवर्सरी का केक काटेंगे फिर आज की एनिवर्सरी पूरी करेंगे ना, और सो गए भाई। सच में आया, लेकिन इसके बाद ऐसा दोस्त है वो कैसे हो सकता है? हैप्पी एनिवर्सरी यार, कितना अच्छा है। सो गया पता है, मैं मेरे को लखन भाई बोले कि यार कॉफी पीने का मन कर रहा, मैंने कहा मैं जाके आता हूँ एक बार, फिर मैंने यशी को बुलाया रात में कॉफी लेकर आने को। यार ये सोच, फिर पता है मैंने यशी को बोला, मैंने कहा यशी यार केक लेकर आना है तू भी आ जा, फिर मैं और यशी दोनों टहलते टहलते गए यार। कुछ भी कहो यार भाई, हैप्पी एनिवर्सरी गाइस, तेरे से दोस्त मिलना चाहिए। ये दोनों के दोनों सो गए हैं बिल्कुल ही भाई, बहुत अच्छा है। ये दिन के लिए पहली प्रायोरिटी गाइस, आप देख सकते हो अगर आपका ऐसा दोस्त है तो क्या मेरे पास भी है। चलो कट किससे करें, कंगे से? भाई क्या क्या लाया है मेरे लिए यार? सूरज यार तू इतना अच्छा है ना, मैं क्या बताऊं यार तुझे, बहुत अच्छा है भाई तू यार। थैंक यू गाइस यार, लेट नाइट सरप्राइज, हैप्पी एनिवर्सरी गाइस, चम्मच से काट, हैप्पी एनिवर्सरी ये। अच्छा भाई ये अभी पता नहीं क्या कर रहा है, एंगेजमेंट की एनिवर्सरी बन रही है साल का, चम्मच से काट रहे हैं भाई क्या करें, दुबई आगे सारे पैसे तो उसी में उड़ा दिए। आओ गाइस आओ, अब क्या कर सकते हैं। ईट आओ इधर, इधर दोनों आओ, दोनों दोनों पहले उनको खिलाओ। नहीं नहीं नहीं, अरे पहले आप खिलाओ प्लीज। ये क्या कर रही तू? क्या कर रहा तू? क्या कर रही हो गाइस? देखो सबसे पहले हक बनता है इस केक पे मेरा। हां वेरी गुड, इसे बाप रे कैसे सही है, हाथ में नहीं हुआ आइस केक। अच्छा ये हां नहीं नहीं नहीं, क्या हो गया तुम्हें? अब क्या हो गया लगन और ना अटक रहे, क्या हो रहा तुम्हें? खाओ पूरा मैं खाओ तो कैसा, अच्छा है? हां यार खाओ खाओ खाओ। अच्छा हम लोग आपके बर्थडे पे आपको 12 बजे नहीं डिस्टर्ब करने वाले, कल करेंगे मेरे भाई। ठीक है कल करेंगे, मैं तो बहुत चाय है क्योंकि इस बंदी की प्रायोरिटी है। तुम चलो मुझे बर्थडे पे बहुत टेस्टी है, ये कौन सा फ्लेवर कौन सा है? मैं तो बस ही खाऊंगी। पता नहीं भाई, हम तो बस सेलेक्ट करके लिए आए, बस कैमरा बंद कर खाने भी दे। बाहर निकलते ही जो ठंड लग रही है ना उसका कोई तोड़ नहीं है। मम्मी बता रही थी कि ठंड बहुत है मगर इतनी है, मुझे नहीं पता था मैंने एक ही हुडी डाली हुई है। चुप, और इन दोनों को देखो मस्त।
अब ये लोग हमसे अलग होने वाले हैं, बाय बाय, थैंक गॉड अलग हो रहे हैं, थैंक गॉड। मैं अपना ख्याल रखूं, ठीक है, हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। जाओ 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 भाई, कितना सामान है मेरा नीतू का। ओह नो, गुजी कर प्यार। गुजी ने अभी मेरी ब्लॉग में खूब सारा प्यार किया, पता नहीं अभी क्यों नहीं कर रहा। अभी वेट कर रहा है लखन का। कुछ पापा ये भागने के रास्ते में अभी है।